नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आप देख रहे हैं हमारा 7 बजे का बुलेटिन सुपर फास्ट न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें सुपर फास्ट स्पीड में। रिजर्व बैंक की आज होने वाली मौद्रिक नीति की समीक्षा में लोगों को ब्याज दरों में राहत मिल सकती है। इस समय सरकार से लेकर उद्योग जगत और आम आदमी सबकी नजर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की तरफ है और सब मानकर चल रहे हैं कि नीतिगत ब्याज दरों में कम से कम 4.5% तो राहत मिली जाएगी। इस बार कर्ज सस्ता करने की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस बारे में न सिर्फ उद्योग संगठन बल्कि वित्त मंत्री अरुण जेटली भी आशा जता चुके हैं कि महंगाई की दरें काबू में है। महंगे कर्ज की वजह से बैंकों से कर्ज की मांग, कंपनियों का मुनाफा, औद्योगिक रफ्तार सभी कुछ सुस्त है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी हाल ही में कहा था कि अर्थव्यवस्था के संकेतों को देखते हुए ये दौर ब्याज दरों में कटौती के लिए एकदम उपयुक्त है। कश्मीर घाटी के सभी BSNL टावरों को बीती रात से बंद कर दिया गया। कश्मीर में सोमवार शाम के हमले के बाद सभी टावरों के केयरटेकरों के संगठन ने ये फैसला लिया है। आतंकवादियों ने कश्मीर में दूरसंचार सेवाओं को एक बार फिर निशाना बनाते हुए श्रीनगर के एक इलाके में सोमवार को एक मोबाइल फोन टावर पर हथगोला फेंका, जिससे एक शख्स घायल हो गया और घाटी में संचार सेवाएं बाधित हुई। बीते 10 दिन में उत्तरी कश्मीर में दूरसंचार सेवाओं को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों ने राजधानी श्रीनगर में पहली बार इस तरह की सेवा को निशाना बनाया। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दोपहर में गुदतबाग में आतंकवादियों ने रिहायशी परिसर में टावर पर हमला किया। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर और पट्टन और कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सिलसिलेवार हमलों में 2 लोगों की मौत के बाद श्रीनगर में यह हमला हुआ। आतंकी संगठन लगातार मोबाइल कंपनियों के टावरों पर हमला बोल रहे हैं। इन हमलों में हाल के दौर में कुछ मोबाइल कंपनियों के मुलाजिमों की जान भी गई है। उन्हें सोपोर में मारा गया। हालत ये है कि अगर मोबाइल सेवा देने वालों को सुरक्षा नहीं मिली तो कश्मीर में मोबाइल सेवा पूरी तरह से ठप हो जाएगी। वैसे पुलिस मान रही है कि मोबाइल सेवा से जुड़े हजारों लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाना संभव नहीं है। सोपोर में आतंकियों ने टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों को अपना बोरिया बिस्तर समेटने की धमकी देते हुए पोस्टर जारी किए थे। लश्कर ए इस्लामी के इन पोस्टर्स में टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना काम बंद करने को कहा गया है। पाकिस्तान ने सोमवार को हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर 3 बार सीज फायर तोड़ते हुए गोलीबारी करने के साथ मोर्टार भी दागे। हीरानगर के बोबिया सेक्टर में हुई गोलीबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सीमा पार से गोलीबारी बंद हो गई। पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद सीमा पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार रात करीब 12 बजे बलनोई सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए गोलीबारी शुरू करने के साथ सेना की चौकियों पर मोर्टार दागना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार आतंकियों के दल को कवर फायर देने के लिए पाकिस्तानी सेना ने आधा घंटा गोलीबारी की। पाकिस्तान के एक सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी की गिरफ्तारी पर 1 अरब रुपए का नाम रखा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में जमाते इस्लामी प्रमुख सिराज उल हक ने अपनी पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए सोमवार को यह ऐलान किया। हक पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन का सदस्य है। रावलकोट भारत के जम्मू के पुंछ जिले से 200 किलोमीटर दूर है। हक ने कश्मीर के मुद्दे पर कहा है कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों की आज़ादी में सबसे बड़ा रोड़ा है। वो पाकिस्तान की कभी दोस्त नहीं हो सकती और जो लोग दोस्ती की बात करते हैं उन्हें भारत चले जाना चाहिए। पाक सांसद सिराज उल हक के इस विवादित बयान पर उनके ही देश में विरोध शुरू हो गया है। पाक पत्रकार मेहर तरार ने ट्वीट कर उन्हें नसीहत दी है कि वो इन पैसों का इस्तेमाल अपने हलके में अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल खोलने के लिए करें। 53 साल के हक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनबा सूबे में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। वो मार्च 2014 में जमात इस्लामी का अध्यक्ष बना। पाकिस्तान में जब पिछले साल इमरान खान और ताहिल उल कादरी ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, तब हक ने मध्यस्थता कर गतिरोध तोड़ा। इसके बाद से हक का पाकिस्तान की राजनीति में दबदबा और बढ़ गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के समूह हक को अगला अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हक वहां शरीयत लागू करना चाहता है। शिवसेना ठाकरे की जम्मू इकाई ने ऐलान किया है कि शिव सैनिक आज यानी 2 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रथम पूजन करेंगे। पार्टी का दावा है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO से लेकर राज्यपाल तक सभी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन किसी ने कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इनका दावा है कि सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर बार यात्रा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शुरू की जाती है, लेकिन इस बार सरकार यात्रा को देरी से शुरू करने जा रही है। कश्मीर में अलगाववादियों के नए पैतरों ने अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का अंदेशा है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में उपद्रव फैलाने की गंभीर कोशिश की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक इन दिनों अलगाववादियों के गुटों में खुद को बड़े जनाधार वाला साबित करने की होड़ लगी है।
इस कोशिश में बेस कैंप से यात्रा रूट तक यात्रियों के जत्थों पर पत्थरबाजी की आशंका है। आतंकी भी यात्रा में खलल डाल सकते हैं। अलगाववादियों के सभी गुट यात्रा अवधि में कटौती चाहते हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड और राज्य सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया है। सेना ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। यात्रा में खलल की आशंका के मद्देनजर सेना की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जा रही हैं। अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू होने वाली है। पिछले साल लंगर के टेंटों पर हमले हुए थे, उसके बाद स्थिति बिगड़ी और आगजनी की घटना भी हुई थी। लिहाजा इस बार लंगर कमेटियों की सुरक्षा के लिए भी अलग से इंतजाम किए गए हैं। दलितों को लुभाने के इरादे से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के शहर मध्य प्रदेश के महू में जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए अंबेडकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार ने ऐलान भी किया है कि बाबा साहेब की 125वीं जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। राहुल दोपहर करीब 12 बजे इंदौर पहुंचेंगे और वहां से सड़क के रास्ते महू जाएंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे वो स्वर्ग मंदिर मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दलित नौजवानों के साथ एक सेमिनार में राहुल दलित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राहुल आज रात ही वापस दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं पर चिंता जताई। सोनिया गांधी ने मांग की कि अगले महीने संसद के मॉनसून सत्र में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए विधेयक लाया जाए। बीजेपी शासित 2 राज्यों राजस्थान और महाराष्ट्र में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यूपीए द्वारा लाए गए अध्यादेश को एनडीए सरकार ने खत्म हो जाने दिया। साथ ही उन्होंने संसद के पिछले बजट सत्र में इसके स्थान पर नया विधेयक नहीं लाए जाने की भी आलोचना की। आरजेडी और जेडीयू के प्रस्तावित गठबंधन के खींचतान के बीच लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को तालमेल पर फाइनल बातचीत कर लेने की नसीहत दी है। लालू ने कहा कि नीतीश जहां चाहें और जब चाहें तब बैठ जाएं और मामले को सुलझा लें। सीटों के बंटवारे से लेकर दूसरे तमाम मामले अभी ही सुलझा लेना चाहिए। पटना में लालू ने नीतीश को कई तरह की नसीहत दी। लालू ने कहा कि नीतीश ने उनसे बात करने से मना कर दिया था। लालू ने गठबंधन से पहले सीटों का बंटवारा और नेता का नाम फाइनल कर लेने को कहा है। आरजेडी अध्यक्ष ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी गठबंधन पर कुछ न बोलने की सलाह दी है। हम जब मिल करके चले हैं लड़ने के लिए तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास का संकट आने से नुकसान होगा और दुश्मन को फायदा होगा। मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के खाली पदों के लिए सोमवार को हुई बैठक में अधिकारियों के नाम तय कर लिए गए। PTI के मुताबिक विजय वर्मा सूचना आयुक्त हो सकते हैं, वहीं KV चौधरी नए CVC हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच 2 दौरे की बैठक के बाद अधिकारियों के नाम पर सहमति बनी। अधिकारियों के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति इस समय स्वीडन और बेलारूस के दौरे पर हैं। CVC और CIC की नियुक्तियों के लिए पिछले महीने भी बैठकें हुई थी, लेकिन तब उन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। CIC का पद पिछले 8 महीने से रिक्त है, जबकि CVC का पद पिछले साल सितंबर से खाली पड़ा हुआ है। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच हुए समझौते पर अमल शुरू करने के लिए आज जयपुर में राजस्थान सरकार की कैबिनेट सब कमेटी और गुर्जर नेताओं की सचिवालय में बैठक होगी। बैठक में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ प्रतिनिधि मंडल शामिल होगा। वहीं सरकार की तरफ से मंत्री राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और हेम सिंह भड़ाना और आला अफसर शामिल होंगे। बैठक का आधिकारिक एजेंडा देवनारायण योजना की समीक्षा रखा है, लेकिन समझौते के बाद पहली बार हो रही इस बैठक में गुर्जरों को अलग से 5% आरक्षण का बिल लाने, गुर्जरों के मुकदमे वापस लेने सहित 8 सूत्री समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी। बैठक के सिलसिले में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने मंत्री अरुण चतुर्वेदी से चर्चा की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान वो पूर्वी नौसेना कमान जाएंगे और रक्षा तकनीक के साझा विकास पर बातचीत करेंगे। उनके भारत प्रवास के दौरान दोनों देश 10 साल की रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर करेंगे। इसको लेकर इसी साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के समय सहमति बनी थी। कार्टर पहले विशाखापट्टनम जाएंगे और वहां नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वो दिल्ली आएंगे। विशाखापट्टनम में अमेरिकी रक्षा मंत्री INS सहयात्री भी जाएंगे। दिल्ली में वो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर से बातचीत करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना को राज्य बने आज 1 साल पूरा हो गया है। जश्न की शुरुआत आतिशबाजी के साथ की गई। इस अवसर पर राज्य सरकार ने 1 हफ्ते तक कई समारोह का आयोजन किया है। इनमें तेलंगाना की संस्कृति और इसके अलग राज्य बनने के सफर को दर्शाया जाएगा। कई लेजर शो भी आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज विधानसभा के पास
मौजूद कुन पार्क में तेलंगाना के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और समारोह का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना पिछले साल 2 जून को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और देश का 29वां राज्य बना था। उबर टैक्सी कंपनी एक बार फिर विवादों में है। गुड़गांव में एक लड़की की शिकायत पर उबर कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ छेड़छाड़ और महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर की पहचान कर ली है। गुड़गांव पुलिस के मुताबिक उसे ईमेल के जरिए सोमवार रात करीब 8:30 बजे शिकायत मिली थी। इस ईमेल के आधार पर गुड़गांव सेक्टर 56 के थाना में केस दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में उबर कंपनी से जानकारी मांगी गई है। दिल्ली में उबर कैब पर पिछली घंटा के बाद से बैन है। लड़की का आरोप है कि उसने दिल्ली से गुड़गांव के लिए कैब ली थी। लड़की के आरोपों के बाद सवाल ये उठता है कि बैन के बावजूद दिल्ली में उबर कैब कैसे संचालित हो रही थी। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। दिल्ली के उत्तम नगर में एक घर में महिला और उसके 2 बच्चों की लाश मिली है। तीनों का गला रेता हुआ है। महिला का पति कस्टम विभाग में नौकरी करता है। मारे गए दोनों बच्चों की उम्र 6 साल और 9 साल है। महिला के पति के मुताबिक जब वो घर लौटा तो दरवाजा नहीं खुलने पर उसने पुलिस को खबर दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई है कि ये खुदकुशी का मामला हो सकता है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। फिलहाल इस मामले की हत्या और खुदकुशी दोनों एंगल से जांच की जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में 27 मई को हुए हिंसक संघर्ष के सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। हरिद्वार स्थित पतंजलि फूड पार्क में हुए खूनी संघर्ष के प्रकरण में एक्सपर्ट की मदद से पुलिस ने डिलीटेड सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिए हैं, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव के भाई राम भारत गार्डों के साथ मृतक को डंडों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जो फुटेज हासिल किए हैं उसमें रामदेव के भाई राम भारत सहित 12 लोग मृतक की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। पुलिस राम भारत को बुधवार को ही जेल भेज चुकी है। पुलिस का कहना है कि जिस समय ये सब हो रहा था योग गुरु रामदेव भी फूड पार्क में ही मौजूद थे। बता दें कि घटना के तत्काल बाद रामदेव के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए थे। रामदेव का भाई राम भारत दबंगई के लिए कुख्यात है। वो कभी गाड़ी से टक्कर मार देता है तो कभी किसी को भी गाली दे देता है एवं हाथापाई करने लगता है। दबाव में पुलिस उसके विरुद्ध कार्रवाई करने से बचती रही है, जिससे उसका दुस्साहस बढ़ता चला गया और बुधवार को खूनी खेल को उसने अंजाम दे दिया। हम आपको बता दें कि पुलिस ने शुक्रवार को पतंजलि हर्बल फूड पार्क में सर्च ऑपरेशन चलाया था। उस दौरान कैंपस में 5 रिवॉल्वर, काफी संख्या में डंडे, धारदार हथियार, पत्थर, हेलमेट और लोहे की कई रॉडे मिली हैं। कैंपस में पुलिस बल पहने जाने वाले कई जैकेट भी बरामद हुए हैं। इस बारे में पूछताछ के दौरान पतंजलि की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। आज देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का दिल्ली आगरा रूट पर अंतिम ट्रायल किया जाएगा। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को दिल्ली से रवाना करेंगे। 9 जून से ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें 12 मॉडर्न कोच होंगे। ये 105 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका किराया शताब्दी एक्सप्रेस से 25% ज्यादा होगा। गतिमान एक्सप्रेस को 9 और रूट पर चलाने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रिलायंस जियो को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने रिलायंस जियो को जयपुर से अपने 4G टावर हटाने के निर्देश दिए थे। रिलायंस जियो की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि फर्म द्वारा लगाए गए टावरों का रेडिएशन लेवल इंटरनेशनल मानक से काफी कम है और कंपनी के पास 175 टावरों को लगाने की इजाजत है। 22 मई को राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बिना इजाजत 4G मोबाइल टावर लगाने पर रोक लगाई थी। साथ ही कोर्ट ने लगे हुए मोबाइल टावरों को हटाने के निर्देश भी जारी किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब रिलायंस के 4G टावर जयपुर में लग सकेंगे। आज मुसलमानों की पवित्र रात शबे बारात है। आज की रात की खास मान्यता है। आज की रात को मगफरत यानी कि माफी की रात भी कहते हैं। शब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ रात है और बारात अरबी शब्द है जिसका अर्थ नजात यानी छुटकारा है। इस रात को अल्लाह ताला अनगिनत लोगों को जहन्नुम से नजात अता करते हैं। आज की रात लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए दुआ करते हैं और फतेहा पढ़ते हैं। शबे बारात की वजह से मस्जिदों और कब्रिस्तानों में खास साफ सफाई की गई है। आज की पूरी रात लोग जग कर इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। क्रिकेटर धवल कुलकर्णी ने अपनी दोस्त श्रद्धा खरपुरे के साथ सगाई कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को सगाई की जानकारी दी। धवल आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और रणजी ट्रॉफी में मुंबई टीम की तरफ से खेलते हैं। स्विस टेनिस स्टार रॉजर फेडरर फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं फ्रेंच ओपन के महिला एकल में चैंपियन मारिया शारापोवा चौथे दौर में उलटफेर का शिकार होकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई।
चाइना में जिलिन प्रांत में भयंकर तूफान का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 31 मई का है, जब चाइना के जिलिन प्रांत में भयंकर भंवर ने दस्तक दी। इस वीडियो में एक बस टोर्नेडो की चपेट में आती दिख रही है। ये बस इस तूफान की चपेट में आने के बाद पलट गई। वीडियो में कई लोग बस के आसपास इकट्ठा हुए दिख रहे हैं। तूफान ने बस को काफी दूर तक धकेला। वहीं तूफान की वजह से जिलिन प्रांत में बड़े नुकसान की खबर है। जानकारी के मुताबिक कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई वाहन भी पलट गए। तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। इटली के टोर्टोरेटो शहर में कलाबाजी दिखा रहे दो विमानों में आसमान में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा पायलट घायल हो गया। हादसे की वजह का पता नहीं चल सका है। फिल्म तनुवेट्स मनु रिटर्न्स की सफलता के बाद कंगना रनौत एक्साइटेड है। फिल्म प्रोड्यूसर कृषिका लुला ने फिल्म की सक्सेस के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे। पार्टी में दीपिका पादुकोण भी पहुंची, लेकिन दीपिका के आते ही कंगना परेशान हो गई और पार्टी छोड़कर चली गई। कंगना के अचानक पार्टी छोड़कर चले जाने के बाद सब हैरान रह गए। दरअसल कुछ दिनों पहले कंगना ने अपनी फिल्म की पार्टी के लिए दीपिका को इनवाइट किया था, लेकिन दीपिका पार्टी में नहीं पहुंची और ना ही उनकी तरफ से कोई मैसेज आया, जिसके बाद से ही कंगना उनसे नाराज थी। जानी मानी दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी इन दिनों फिल्म नीरजा की शूटिंग में बहुत बिजी हैं। शबाना आजमी को कुत्ते पसंद नहीं हैं, जिस वजह से सेट पर एक पोमेरियन डॉग के साथ शूटिंग करना उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया। शबाना ने सोशल साइट ट्विटर पर लिखा कि एक कलाकार को क्या नहीं करना पड़ता।